तो दोस्तों नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। और मैं हूं ए के एस राजवीर आपके साथ लाइव गाइस। तो कौन कौन है जो मुझे आज वॉच कर रहे हैं गाइस, एक बार मैं बस आपको चेक कर लूं। ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है गाइस तो ये भी बात जरूर बताइएगा आप लोग। और गाइस वैसे मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज है, इस सीरीज को मैंने गाइज आपके लिए स्टार्ट किया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने गाइज इस सीरीज को पूरा किया था। लेकिन गाइज इसमें जो मैंने अभी तक आपके साथ कवर किया था वो इतना पार्ट है गाइज, मैं आपको जल्दी से भी बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात गाइज कि मैंने इसकी बिगिनिंग कहां से की थी, तो बिगिनिंग किया था गाइज मैंने ग्रीको रोमन पीरियड से लेकर के, और ग्रीको रोमन पीरियड से लेकर के गाइस मैंने रोमांटिक एज तक आपके साथ कवर किया है। इन सारी एजेस को जो आप ये देख रहे हैं गाइस, इन सारी एजेस को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और ये गाइस जो सारी स्लाइड्स आपको भी ये दिखने वाली हैं, ये सारी स्लाइड्स में मैंने गाइस आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से कवर किया। तो दोस्तों स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप अपनी रिमेनिंग सीरीज क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, तो गाइज मैं बिल्कुल उस रिमेनिंग सीरीज को पूरी करने के लिए आप सबके साथ हूं। और ये गाइज कंप्लीटली आज जो क्लास है ये है विक्टोरियन एज पर, यानी कि गाइज क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड की मैं बात करने वाला हूं। गाइज ये सारा कुछ मैंने कवर किया है, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गाइज मैं वो सारी चीजें, मैं सारे लिंक अपने जो भी है तो वो सारे मैं डाल दूंगा गाइज आपको। प्लीज आप उस पूरी सीरीज को वॉच कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज में, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली गाइज हेल्प करेगी। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत हुआ, ये बहुत सारा हो गया गाइज ये कि मैंने आपको ये सब दिखा दिया। अब चलिए आ जाइए गाइज मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। रोमांटिक एज लास्ट था जिसे मैंने आपके साथ अभी ये कवर किया था। अब रोमांटिक एज के बाद गाइस हम आ जाते हैं सीधा सा विक्टोरियन एज पर, और विक्टोरियन एज को गाइस स्टार्ट करते हैं, यानी इस वाली स्लाइड से गाइस हम शुरू करने वाले हैं, बिगिनिंग करने वाले हैं पर्टिकुलर गाइस इस क्लास की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सब लोग कौन कौन है प्लीज एक बार भाई हाँ और ना तो बोल दीजिए आप लोग, है ना? हाँ और ना बोलेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। कौन कौन है गाइस? अभी मुझे लग रहा है बड़े कम लोग हैं, ओनली 18, इतने कम भाई ये तो मतलब, या 75 स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, और आ जाइए सब लोग। लास्ट में गाइस बातें करेंगे यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी से रिलेटेड, लेकिन पहले सबसे पहले गाइस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये वीडियो पूरा किया जाए। जिसको गाइस ये सीरीज ना मिली हो तो उनके लिए मैं एक और बात बता दूं कि जिन लोगों को गाइज ये वीडियो पूरे चाहिए हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं गाइज। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है तो प्लीज मैं अभी लिख देता हूं गाइज आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा गाइज, है ना? यस प्लीज गाइज मैं अभी आपके लिए व्हाट्सएप नंबर लिख दूं एटलीस्ट, सो दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से गाइज इसको मुझे मैसेज भी कर सके, है ना? चलिए तो गाइज 9125090515 ये है गाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर, 9125090515। तो गाइज बिल्कुल इस नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा, और इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करने के बाद आपको मैं ये पूरी सीरीज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली गाइज पूरी सीरीज, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल अब आप थोड़ा सा गाइज मैं पेस्ट कर दूं इसको ताकि आपको नंबर दिखता रहे, अगर आपको नंबर नहीं दिखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? क्योंकि आप लोग नंबर का इंतजार कर रहे होंगे और अगर नंबर नहीं दिखा तो गड़बड़ है। चलिए गाइज तो यही वाला वो नंबर है जिस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेस भी चाहिए टीजीटी पीजीटी वो भी उसके लिए भी गाइज। चलिए तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने जो कवर किया था वो था रोमांटिक टाइम पीरियड, या फिर हम गाइज उसे बोलते हैं रोमांटिक एज। और इस रोमांटिक एज को समझने के लिए सिंपल गाइज 1798 से रोमांटिक एज की बिगिनिंग हुई थी, और गाइज जो एंड था रोमांटिक एरा का वो हुआ था 1837 में। तो गाइज ये टाइम पीरियड रोमांटिक पीरियड कहलाता है, और रोमांटिक पीरियड में गाइज वर्ड्सवर्थ, सदे, बायरन, शैली, कीट्स, कॉलरिज,
ये सारे इंपॉर्टेंट पोएट्स थे और इनके बारे में मैंने बहुत ही गाइज अच्छे से प्लीज मैंने आपके साथ बात की थी। अब दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा गाइज, ठीक है? बस बाकी का बाद में देखेंगे। चलिए गाइज, और ये वाला है मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप मैसेज करके आप डायरेक्टली गाइज ये पूरी की पूरी सीरीज का वीडियो भी ले सकते हैं मुझसे फ्री में, नो नीड टू पे। अगर कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो फिर वो आप मैसेज में बताइएगा। तो गाइज जो रोमांटिक एज की बिगिनिंग होती है, सॉरी विक्टोरियन एज की जो बिगिनिंग होती है वो होती है 1887 के साथ, सॉरी 1837 के साथ। आज मेरा दिमाग भी घुमा हुआ है क्या? 1887 कहा गया, 1837 यानी 1837 के साथ बिगिनिंग होती है। तो गाइज कई बार देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है 1837 को लेकर के। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि 1832 के साथ विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग होती है। तो 1832 क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए गाइज मैं आपको फटाफट बता देता हूं, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि 1832 में रिफॉर्म बिल आया था और रिफॉर्म बिल के साथ कभी कभी मान लेते हैं कि रोमैंट जो विक्टोरियन एज है तो विक्टोरियन एज की बिगिनिंग और रोमांटिक एज की एंडिंग। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि 1837 को आप कंसीडर कीजिए। और क्यों? इसके लिए गाइज एक बड़ा ही रिजनेबल और तार्किक आंसर मैं देना चाहूंगा इसके लिए गाइज। रिजनेबल और तार्किक आंसर मेरा ये है कि 1837 में ही क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर बैठी थी गाइज, यानी कि वो क्वीन बनी थी कहां की? इंग्लैंड की। तो 1837 ही माना जाएगा इसीलिए। और गाइज 1901 में इनकी डेथ हुई क्वीन विक्टोरिया की, इसीलिए जो एंडिंग मानते हैं ना गाइज तो एंडिंग होती है 1901। अब दोस्तों आपको क्लियर होगा कि जो विक्टोरियन टाइम पीरियड है वो 1837 से बिगिन हुआ और 1901 में गाइज इसकी एंडिंग हुई। दोस्तों इस टाइम पीरियड को अगर देखा जाए 1837 से 1901 के टाइम पीरियड को हम विक्टोरियन एज जब नाम दे देते हैं तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए गाइस। रोमांटिक एरा में आपने देखा था कि रोमांटिक एज में बड़ी गाइस इमेजिनेशन की बात होती थी, है ना? इमेजिनेशन की बात गाइस, है ना? और साथ साथ इमेजिनेशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं गाइस लाइक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर बात हुई, द वर्ल्ड ऑफ फ्लोरा फना, सो द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, आप सब जानते हैं। विक्टोरियन एरा में गाइज इसके कुछ अपोजिट होने वाला है, और अपोजिट ये है कि गाइज विक्टोरियन एरा में या विक्टोरियन टाइम पीरियड में बड़े गाइज काफी बड़े चेंजेस थे, और इन चेंजेस को हम कहते हैं जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ गाइज साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक डेवलपमेंट रिफॉर्म बिल्स भी बहुत सारे आए। वन बाई वन गाइस हम देख लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। विक्टोरियन एज को सबसे पहली बात की से हम लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री कंसीडर करते हैं गाइस। लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री पहली बात, क्योंकि गाइस 37 से 1901 तक चली है ना। देन गाइस क्वीन जो थी ये विक्टोरिया जो थी तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी, ओनली सी वॉज ओ 18 ईयर ओल्ड गाइस। यस, और 18 ईयर ओल्ड ये गर्ल गाइस क्वीन बन गई थी कहां की? इंग्लैंड की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वीन जो विक्टोरिया थी इनका इंटरेस्ट था किसमें? एक तो गाइज ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट था, दूसरा गाइज ड्राइंग पेंटिंग, और एक और गाइज मैं बता दूं आपको रीडिंग में भी काफी बड़ा इंटरेस्ट था इनका, है ना? यस, रीडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा गाइज आपको। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन का नाम आपने सुना होगा, TENYSON। अब ये टेनीशियन भैया कौन थे? टेनीशियन गाइज ये वो थे जिन्होंने लिखा था इन मेमोरियम गाइज, INMEMORIUM, और इन मेमोरियम को गाइज इन्होंने पढ़ा था क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया भी गाइज बड़ा दुखी थी उस समय, क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे प्रिंस अल्बर्ट की डेथ हो गई थी गाइज 1861 के टाइम पीरियड, है ना? और इन मेमोरियम बेसिकली गाइज 1850 के टाइम पीरियड में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशन ने लिखा था। और पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशन पोएट लॉरिएट थे गाइज, है ना?
क्योंकि वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में, वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन में आई थी, और क्वीन विक्टोरिया गाइस जब इंग्लिश थ्रोन में आई, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, तो वहां पर गाइस एक बड़ी बहुत बड़ा मतलब गाइस चेंज हुआ। चेंज ये हुआ क्योंकि अब जब पोएट लॉरिएट नहीं रहे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट थे, तो अब टेनिसन बन गए पोएट लॉरिएट। और गाइस उन्होंने इन मेमोरियम लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर। इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई गाइस, और इन्होंने इन मेमोरियम पढ़ा, और गाइस रियली बहुत ही अच्छी पोएम इनको लगी। और एक इसमें इन मेमोरियम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इट इज बेटर टू लव एंड लॉस्ट, इट इज बेटर नॉट लव एट ऑल गाइस। तो इस तरह से कुछ लाइन है इस पर्टिकुलर पोएम में, बड़ी जबरदस्त लाइन हो जाती है ना। अब दोस्तों बात यहां पर हम और कुछ समझ लेते हैं। टेनिशन का गाइस, आपको क्वीन विक्टोरिया की ये क्वालिटी पता चली कि वो रीडिंग में काफी इंटरेस्टेड थी। दूसरी चीज गाइस, वो पेंटिंग में भी इंटरेस्टेड थी। गाइस एक वर्क है जॉर्ज एलियट का, और ये जॉर्ज एलियट का कौन सा वर्क है ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जॉर्ज एलियट के गाइस उस वर्क को पढ़ा इन्होंने, और इन्होंने अपने पेंटर से कहा कि प्लीज पेंट द पिक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क, और गाइस इनके पेंटर ने पेंटिंग की। तो काफी अच्छा इंटरेस्ट था गाइस इनका, ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो काफी अच्छा गाइस इंटरेस्ट था इनका क्वीन विक्टोरिया का गाइस, है ना। यस, अब गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं आपको बता दूं गाइस कि जैसे ही प्रिंस अल्बर्ट की डेथ होती है, क्योंकि गाइस प्रिंस अल्बर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंग्लिश हिस्ट्री में। अगर आपने कभी नाम सुना है ग्रेट एग्जीबिशन का, बहुत सारे लोगों ने आप में से सुना होगा, और इवन गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था ग्रेट एंड EXI एग्जीबिशन गाइस। यस, सो ग्रेट एग्जीबिशन गाइस ये एक ऐसा एग्जीबिशन था, एक ऐसी प्रदर्शनी थी जिसको प्रिंस अल्बर्ट ने अरेंज कराया था गाइस, और जिस पैलेस में इसे मतलब इस प्रदर्शनी को लगाया गया था उसका नाम था CRYSTAL क्रिस्टल पैलेस। और क्रिस्टल पैलेस को गाइस डिजाइन किया था जोसेफ पैक्सटन ने, ठीक यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं गाइस, है ना, जोसेफ SEPH and PAXTON, जोसेफ पैक्सटन ने इसे डिजाइन किया था क्रिस्टल पैलेस को। एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके UGC के, है ना, समझदार बने और सही चुने, ठीक है गाइस, यस समझदार बने और सही चुने, तो जोसेफ पैक्सटन ने इसे डिजाइन किया था। तो गाइज ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन एट दैट टाइम थी गाइज, है ना। यस इसके बाद गाइज अब आप ये देखिए कि इस टाइम पीरियड में जो विक्टोरियन टाइम पीरियड था, ये साइंस और रिलीजन में बड़ा भयानक फंसा हुआ था गाइज। और साइंस और रिलीजन में फंसने के लिए एक बड़ी स्टोरी गाइज मैं आपको बता दूं, यस बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है गाइज साइंस में फंसने वाली। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है गाइज, मेरी बात आप सुनिए, और रीजन कैसा है देखिए गाइज। चार्ल्स डार्विन का तो नाम आपने सुना ही होगा। चार्ल्स डार्विन ने एक वर्क लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज गाइज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना गाइज, यस, यानी कि स्पीसीज मतलब गाइज प्रजातियों का कैसे गाइज ओरिजिन हुआ इस दुनिया में, इस धरती में कैसे ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्क आया ना गाइज, यस 1859 में शायद आया था अगर आपको याद है, यस yes. तो गाइज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथ ये मान लीजिए आप लोग, है ना गाइज, यस yes. ये समझिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था गाइज, यस yes. थोड़ा सा एक मिनट के लिए, यस yes. या गाइज सो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पता है क्या था, चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी गाइज, और उन्होंने कहा मैन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन नॉट मेड बाय गॉड। और यहीं से गाइज साइंस और रिलीजन के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था गाइज, यस चार्ल्स डार्विन के इसी वर्क के साथ ही साइंस और रिलीजन के बीच में गाइज बहुत बड़ा द्वंद क्रिएट कि साइंस ग्रेट है या फिर भगवान ग्रेट है, है ना। मैन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, हम क्रमिक विकास का परिणाम है, ना कि हमें भगवान ने बनाया। रिलीजियस जो फेथ था, क्योंकि हम लोग सोचते थे
मैन इज मेड बाय गॉड इन हिज ओन इमेज, मतलब भगवान ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है अपनी ही छाया के रूप में, मतलब अपने ही जैसा। और फिर यहां से गए जो रिलीजन था, तो रिलीजियस बिलीफ खत्म। कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है गाइज, वो इसी टाइम पीरियड में आई। तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से पहले आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझ लीजिए गाइज। जोसेफ पैक्सटन के बारे में मैंने बताया, ग्रेट एग्जिबिशन के बारे में बताया। ग्रेट एग्जिबिशन में बहुत सारे हैंडलूम्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स को प्रदर्शित किया गया था गाइज, और ये मशीन बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में कामयाब हुई। टॉमस हार्डी की अगर आप टेस ऑफ डर्वरविल को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कितना बड़ा इफेक्ट था। चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गाइस कि कितना बड़ा इफेक्ट था किस चीज का। तो गाइस सिंपल है, साइंस का कितना बड़ा इफेक्ट था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कितना बड़ा इफेक्ट था गाइस, ये बिल्कुल आप समझ जाएंगे गाइस। यस ओके गाइस, यस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गाइस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहे गाइस वो इंजन वाली बात हो, भाप इंजन, हैंडलूम्स एंड ऑल, सब इस टाइम पीरियड में गाइस बहुत कुछ डेवलप हुआ। और इसीलिए गाइस मशीनों ने स्थान ले लिया ह्यूमन बीइंग का, और यहां से जो कंडीशन थी वो थोड़ा बदलने लगी थी गाइस लोग। बात करते हैं गाइस कार्ल मार्क्स की। तो अब क्या होता था गाइस, चाइल्ड लेबर हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको बड़ा मजा आ रहा था गाइस एक्सप्लॉइट करने में, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन गाइस। और फिर क्या था, जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन। और इसीलिए गाइस कार्ल मार्क्स की एक कम्युनिज्म की विचारधारा इसी टाइम पीरियड में आती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो गाइस, है ना। दास कैपिटल जैसे वर्क लिखे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने, जहां पर गाइस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस, इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे गाइस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यस गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस का मतलब है संसाधनों का सामान्य वितरण। और गाइस देखिए, सोसाइटी में ऐसा हो नहीं पाता बिल्कुल गाइस, ऐसा सोसाइटी में नहीं हो सकता कि संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके गाइस। विक्टोरियन टाइम पीरियड को अगर आप गाइस देखें ना, तो विक्टोरियन टाइम पीरियड पता है कोलोनियल एक्सपेंशन के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने गाइस, ब्रिटिशर्स, एक मैं पिक्चर दिखाया करता हूं गाइस, आज मैं वो वाली पिक्चर नहीं लेके आया गाइस। जो ब्रिटिशर्स थे वो समझ लीजिए ऐसे ऑक्टोपस बन गए थे। ऑक्टोपस के कई सारे गाइस पांव होते हैं, ये याद रखिएगा। तो गाइस ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑक्टोपस बन गए थे। उन लोगों ने हर गाइस, यू नो कि ये समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में एज ऑक्टोपस यहां भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी गाइस। यस, कहा जाता है ना कि सूर्यास्त नहीं होता था गाइस कभी, है ना, सूरज नहीं कभी डूबता था। समझ गए गाइस आप? तो अब आप इस चीज को समझ गए गाइस। एक चीज आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी कि यार एक बड़ी समस्या ये भी थी, कॉलोनियल एक्सपेंशन। आप इस बात से खूब खूब गाइस इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 1857 में फर्स्ट गाइस, यू नो, म्यूटिनी, आप जानते हैं गाइस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विद्रोह हुआ था गाइस, है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इस चीज को भी गाइस आप बहुत अच्छे से समझ ही रहे होंगे। यस, अब गाइस ये जो टाइम पीरियड था, यहां पर एजुकेशन का रोल भी थोड़ा सा गाइस बढ़ने लगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि गाइस इंग्लिश पीपल्स जो थे, हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग बड़े बैकवर्ड हैं, हम लोग बहुत गाइस पीछे रहते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको गाइस बता दूं कि जरूरी नहीं कि गाइस हम लोग बैकवर्ड हैं, हमसे भी आज बैकवर्ड रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एजुकेशनल एक्सपेंशन गाइस आप ये समझ लीजिए कि यहां पर वुमेन एजुकेशन एंड ऑल पर बात की गई। अगर आप इन मेमोरियम गाइस जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन के गाइस, यू नो, वर्क्स को पढ़ते हैं, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन के गाइस वर्क्स में आपको ये मिलेगा। यस, क्या मिल जाएगा गाइस कि बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात मिलती है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन के वर्क में वुमेन एजुकेशन को लेकर के। प्रिंसेज वर्क है गाइस जहां पर उन्होंने एक वुमेन यूनिवर्सिटी की बात की है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन। और देखिए अभी मैंने आपको बताया ना गाइस कि
कि कभी कभी विक्टोरियन एज की बिगिनिंग हम 1832 के साथ मानते हैं, 1832 गाइस। अब आप मेरी बात मान लीजिए कि 1832 मानने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है गाइस, जो सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है, वो क्या है गाइस? तो मैं आपको बता दूं कि 1832 का ये रिफॉर्म बिल, ये देख लीजिए रिफॉर्म बिल गाइस, कई सारे रिफॉर्म बिल आए थे ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड। अब गाइस इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोएट थे, कौन कौन से नॉवलिस्ट थे, किसने क्या लिखा और कौन गाइस सबसे महत्वपूर्ण था इस टाइम पीरियड में। विक्टोरियन टाइम पीरियड में लिटरेचर कैसा था इस बारे में जानना भी बहुत जरूरी है गाइस। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल को, और गाइस कॉलोनियल एक्सपेंशन, चार्ल्स डार्विन की गाइस, ये बातें जो मैंने आपको बताई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और मैं गाइस बताऊं आपको कि देखिए जिनको मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता वो लोग मेरी क्लास को गाइस ज्यादा नहीं देख पाएंगे, ये बात आप मेरी जान लीजिए जितना जल्दी गाइस जान सके, है ना? यस। अच्छा मैं बड़ा लेजी दिख रहा हूं दीनानाथ तिवारी, अरे भाई साहब की बातें, लेजी दिख रहा हूं? इतना अच्छे से पढ़ाए पढ़ा हूं और आपको मैं लेजी दिख रहा हूं, मतलब हद हो गई गाइज यार, मतलब कूद जाऊं क्या इसके ऊपर, इस पैड के ऊपर बैठ के एक आध बार कहिए तो कूद लूं। अरे भैया कभी कभी तो यार अच्छा बोल दिया करो कि आज सर सही पढ़ा रहे हैं, है ना? कभी कभी तो दिल रखा करो, टुडे यू आर लुकिंग लेजी। इतना बढ़िया बता रहा हूं आपको, कोई नहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ये बात मेरी बात जान लीजिए। वीडियो सारे छान मारिए यूट्यूब के विक्टोरियन एज से रिलेटेड, इतना बड़ा दावा करता हूं कुछ तो हिम्मत रखता होगा ना। चलिए दोस्तों इस टाइम पीरियड के कुछ मेजर पोएट्स की बात कर लेते हैं, है ना? मेजर पोएट्स में गाइज हम सब कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे गाइज रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशियन, मैथ्यू अर्नोल्ड, तो गाइज ये कुछ मेजर पोएट्स। और ये बात आप भूलेंगे नहीं, प्री रेफलाइट पोएट्स भी गाइज मेजर पोएट्स हैं इसी पीरियड के। भाई प्री रेफलाइट जो पोएट्स का ग्रुप है किस ईयर में बना गाइज, है ना? तो आंसर आता है कि प्री रेफलाइट पोएट्स का ग्रुप 1848 में गाइज यस फॉर्म हुआ था। कौन कौन से लोग थे गाइज? सो डी जी रोसिटी, है ना, ए सी स्वीनबर्न, क्रिस्टीना रोसिटी गाइज, है ना, बॉस मिस्ट होलमैन हंट, कई सारे गाइज लोग थे, है ना? तो ये इन लोगों ने गाइज फॉर्म किया था क्या? यस, इन लोगों ने फॉर्म किया था एक जिसे बोलते हम लोग ना प्री रेफलाइट पोएट गाइज, यस प्री रेफलाइट पोएट्स या प्री रेफलाइट पोएट्स का ग्रुप 1848, याद रखिएगा गाइज, है ना? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग मास्टर है ड्रामेटिक मोनोलॉग के गाइज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गाइज रिप्रेजेंटेटिव पोएट, रिप्रेजेंटेटिव गाइज, PRESTEN, रिप्रेजेंटेटिव गाइज, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पोएट विक्टोरियन एज के कहलाते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड गाइज तो लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ पर रो रहे थे गाइज, है ना, यस He was just weeping on loss of religious faith, guys. Yes, religious faith पर guys उन्होंने बात किया था, किसने? Simple guys, मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना? अब दोस्तों देखिए कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है विक्टोरियन टाइम पीरियड में, तो गाइज लेडी ऑफ शैलॉट का नाम सुना है? अरे छोड़िए नहीं सुना। लोटस ईटर्स का नाम सुना गाइज आपने? हाँ है, एक लोटस ईटर्स करके पोयम है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीशन ने लिखा। यूलिसिस, ओहो गाइज ये बहुत जबरदस्त पोयम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है गाइज। मोर्टे डी अर्थर गाइज, लीजेंड ऑफ अर्थर, अर्थर के लीजेंड पर लिखा ये। एंड द स्टोरी ऑफ मोर्टे डी अर्थर गाइज जो टॉमस मैलोरी की पोयम पर बेस्ड है, अभी अभी इन मेमोरियम की बात मैं कर ही रहा था गाइज, है ना, इन मेमोरियम की बात मैंने अभी अभी आपसे की है, और अगर गाइज आपको याद होगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना गाइज? यस, सो इन मेमोरियम की बात मैंने अभी अभी की आपसे, तो इन मेमोरियम मॉड पोयम गाइज, है ना। एंड आइडल्स ऑफ द किंग इनोक अर्डन, बहुत सारे गाइज वर्क लिखे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने। ब्रेक 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 एक बड़ी जबरदस्त पोयम है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन गाइज बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने वर्क लिखे। इसके बाद देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर मैं बात करूं गाइज, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने देखिए जैसे पोरफ्रियाज लवर, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर थे, बहुत सारी गाइज ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने गाइज, है ना, यस। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये पोरफ्रियाज लवर है, रबी बिन एज़रा है,
And you know, guys, yes, how they brought the good news from Genetics and Pied Piper of Hamelin. और गाइस लास्ट डचेस का नाम आपने सुना होगा, एंड्रिया डेल सैरटो का नाम सुना होगा, फ्रॉलिपो लिपी का नाम सुना होगा गाइस, और एक वर्क इनका और है बड़ा जबरदस्त है भाई, मुझे लिख ही देना चाहिए। इसका नाम है PIPPA पिप्पा पासेस गाइस, और बड़ी अच्छी लाइन है गाइस। बहुत ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, और लिखा था इन्होंने गाइस, यस क्या, God is in his heaven and all is right with the world. और इसी के अपोजिट गाइड थॉमस आर्डी ने लिखा था, God is not in his heaven and all is not right with the world. क्या करते भाई, लिखना जरूरी था गाइस, है ना, जिसका जो मन करे वो लिखे, लिखेंगे तो है ही, मानेंगे थोड़ी। यस गाइस, मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर बात करें तो थायरेसिस, डॉवर बीच, मेमोरियल वर्सेस, रग्बी चैपल, शेक्सपियर, स्कॉलर, जिप्सी गाइस, है ना, बहुत जबरदस्त जबरदस्त गाइस पोएम लिखी इन्होंने। यस, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त गाइस पोएम लिखा मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और आप देखिए थायरेसिस, सो थायरेसिस किसके लिए लिखा था गाइस, अपने किसकी डेथ पर गाइस, तो अपने फ्रेंड की डेथ पर, A.H. क्लॉक को लेकर के गाइस, यस आर्थर ह्यू क्लॉक को लेकर के। डॉवर बीच हनीमून मनाने गए थे हस्बैंड और वाइफ, और फिर लिख दिया डॉवर बीच। मेमोरियल वर्सेस, तो गाइस यहां पर गेटे, वर्ड्सवर्थ और बायरन तीनों लोगों को लपेट लिया था गाइस एक साथ, है ना, तीनों लोगों के बारे में इन्होंने लिखा था। यस, देन रग्बी चैपल पापा के लिए लिखा था गाइस, यस थॉमस अर्नोल्ड के लिए, इनके पापा का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, ये मैथ्यू अर्नोल्ड थे और थॉमस अर्नोल्ड के लिए लिख दिया। शेक्सपियर गाइस, तो किसके लिए लिखा था, वर्ड्सवर्थ के लिए, अरे नहीं, शेक्सपियर शेक्सपियर के लिए ही लिया लिखा था। अदर अबाइड आर क्वेश्चन द आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, योर स्माइल इज स्टिल, है ना गाइस, आउट टॉपिंग नॉलेज एंड ऑल। बहुत ही गजब गाइस, यस बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पोयम है जिसको आप कहेंगे, या गाइस शेक्सपियर वाली। स्कॉलर जिप्सी, तो एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर को लेकर के इन्होंने लिखा था, काफी गजब है गाइस स्कॉलर जिप्सी, है ना, यस। और इसके बाद डीजी रोस्टी, इन्होंने भैया क्या लिखा था, सो गाइस डीजी रोस्टी ने एक बहुत ही जबरदस्त वर्क लिखा था, अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, देख लेता हूं कि आपने कितना पढ़ा है और टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं गाइस। मैं बता दूं अगर आप लोग ना बता पा रहे हो, चलिए थोड़ा सा गाइज वेट करूंगा 2-4 मिनट के लिए, मैं आपसे, यस थोड़ा सा गाइज स्टक हो गया, प्लीज वेलकम बैक, मैं कर लेता हूं आपका, डोंट वरी, थोड़ा सा स्टक हो गया, क्या गड़बड़ा गया था गाइज, है ना, यस। चलिए भाई वापस आ जाइए प्लीज गाइज, आपका आपका कहीं भी क्लास स्टक नहीं होना चाहिए, आपका क्लास बराबर चलना चाहिए, आ जाइए। सो गाइज मैं कह रहा था ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग गाइज वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग गाइज, यस वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, यस गॉबलिन मार्केट गाइज, बिल्कुल क्रिस्टीना रोसिटी का है, इसमें कोई शक जैसी बात नहीं, गॉबलिन मार्केट क्रिस्टीना रोसिटी का ही है गाइज, वो आपको याद रखने की जरूरत है। और ये टीजीटी और पीजीटी में क्यों लिख रहा हूं गाइज, अगर आपको पेड कोर्सेस चाहिए और टीजीटी पीजीटी और नेट, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत गाइज, चले आइएगा, टीजीटी पीजीटी और नेट आपको मिल जाएगा गाइज, पूरा कोर्स मिलेगा एकदम, 1 महीने में गाइज आप कवर कर लेंगे टीजीटी पीजीटी वाला कोर्स पूरा का पूरा। यस, मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर अगर आपको चाहिए, बाकी आ जाइए गाइज। देखिए सो गाइज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक बहुत ही बढ़िया वर्क है, हाउ डू आई लव दी गाइज, ये वाला वर्क जब भी मैं पढ़ता हूं बड़ा मजा आ जाती है गाइस, हाउ डू आई लव दी, है ना, यस हाउ डू आई लव दी, मैं कैसे प्यार करूं तुम्हें, लेट मी काउंट द वे, है ना गाइस, चलिए मुझे वो तरीके गिनने दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें प्यार करने के लिए गाइस, है ना। सो यस ये वाली गाइस, सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज, बिल्कुल गाइस, यस यू ऑल आर यू नो फैमिलियर गाइस, यस प्लीज। सो गाइज बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वे गाइज, है ना, और ये हाउ डू आई लव दी, ये गाइज इसमें कौन सा डिवाइस है, अपोरिया, APORIA गाइज, है ना,
अनडिसाइडेबिलिटी, याद रखिएगा गाइस, ये कंडीशन है अनडिसाइडेबिलिटी। बहुत सारे गाइस पोएट थे इस टाइम पीरियड में। अब हम थोड़ा सा आते हैं गाइस आगे और जानने की कोशिश करते हैं नॉवल ऑफ द पीरियड। विक्टोरियन टाइम पीरियड गाइस नॉवल के लिए बहुत रिच था। पोएम और नॉवल बड़ी जबरदस्त लिखी गई और ड्रामास भी लिखे गए हैं, लेकिन गाइस हम नॉवल की बात करते हैं क्योंकि गाइस विक्टोरियन टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। विक्टोरियन टाइम पीरियड गाइस टोटली उपयोगितावादिता पर फोकस करता था, यूटिलिटेरियनिज्म पर गाइस। या सो इसीलिए गाइस इस टाइम पीरियड में एक्सप्लॉइटेशन बहुत हुआ, चाइल्ड लेबर का हो गाइस, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो, और सोशल जो डिस्पैरिटी थी अपर क्लास लोअर क्लास वो भी गाइस बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुई थी गाइस। या और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो नॉवलिस्ट थे गाइस इस टाइम पीरियड के, सो गाइस नॉवलिस्ट जो भी इस पीरियड के थे उन लोगों ने अपने वर्क्स में इसी टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट किया। जैसे चार्ल्स डिकेंस की गाइस आप बात करें, चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे गाइस ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबी, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मार्टिन चुजलवेट एंड ऑल, बहुत सारे गाइस वर्क लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस ने। और चार्ल्स डिकेंस गाइस यू नो समझ लीजिए कि इतने बढ़िया गाइस नॉवलिस्ट थे कि अपने वर्क्स में गाइस जो पुअर पीपल्स है और उस टाइम पीरियड में गाइस लोगों की सफरिंग को बहुत ही नजदीक से डिपिक्ट किया है चार्ल्स डिकेंस ने गाइस, है ना। बिल्कुल, चार्ल्स डिकेंस ने बहुत ही नजदीक से गाइस डिपिक्ट किया इन सारी चीजों। एलिजाबेथ गास्केल, सो गाइस एलिजाबेथ गास्केल ने भी सिचुएशन ऑफ द पीरियड मैरी बार्टन नाम का गाइस एक वर्क लिखा है, इसके थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बेंजामिन डिजराइली गाइस, सो सिबिल और द टू नेशंस गाइस एक वर्क लिखा है जिसमें अगर आप देखिए तो सोशल प्रॉब्लम्स पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा इम्फेसिस दिया है। वैनिटी फेयर गाइस एक विलियम मैकपीस थाकरे का वर्क है, वैनिटी फेयर गाइस, है ना। यस, वैनिटी फेयर का एक सब टाइटल है अ नॉवल विदाउट अ हीरो, अ नॉवल विदाउट अ हीरो गाइस, है ना। यस, सो वैनिटी फेयर, और ये जो गाइस टाइटल है ना तो ये बनियान के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से आया है, BUNYAN गाइस। यस, बनियान, जॉन बनियान गाइस थे, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इनका एक वर्क है, वहां से गाइस एक टाइटल आया है वैनिटी फेयर गाइस, तो ये वाला वर्क लिखा। ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने भी गाइस वर्क लिखे हैं, जैसे ब्रॉन्टे सिस्टर्स के देखे शार्लोट ब्रॉन्टे, एमली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे गाइस, एक बढ़िया ट्रिक है, देखिए जेन आयर, वुदरिंग हाइट्स और ग्रे, है ना गाइस। यस, सो जेन आयर जो थी काफी हाइट में बड़ी थी और ग्रे कलर की थी गाइस, है ना। सो एमली ब्रॉन्टे, सॉरी शार्लोट ब्रॉन्टे, एमली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे गाइस, है ना। और तीनों ने सूडो नेम भी एक एक लिए थे, यस सूडो नेम भी गाइज एक एक ले लिया था तीनों ने, प्लीज, है ना। यस गाइज, तो अब तो बहुत ही अच्छी बात हो गई आप सबकी। चलिए जॉर्ज एलियट गाइज, देखिए 1847 याद रखिएगा, 1847 गाइज, है ना। अब AK-47 अगर आप याद कर लें तो वो भी बड़ी कोई गजब बात ही होगी गाइज, है ना। यस, है ना गाइज। यस, एलिस बेल, एक्टन बेल और क्यूरर बेल गाइज इनके नाम थे, ठीक है ना। यस, एलिस, एक्टन और क्यूरर बेल गाइस, CURER एंड क्यूरर बेल गाइस, है ना। सो ये सारे तीनों के नाम थे, एलिस बेल, एक्टन बेल एंड क्यूरर बेल गाइस, है ना। यस, याद रखिएगा, एन ब्रॉन, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे, जेन आयर 1847, वुदरिंग हाइट 1847, एनएस ग्रे, एग्नेस ग्रे 1847 गाइस, है ना। तो AK-47 करके अगर आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। जो लोग बीच में बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है ना, जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो क्या आप बीच में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं? अरे भाई, लास्ट का वेट कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप अपना मतलब डाले पड़े रहते कमेंट बॉक्स में, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, लास्ट के लिए वेट कीजिएगा, मैं खुद कहूंगा भैया बता दीजिए जो जो पूछना हो, है ना। बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं ना बाधा, हिंड्रेंस, ठीक। चलिए, जॉर्ज एलियट गाइस, तो जॉर्ज एलियट ने भी काफी अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे सिलास मार्नर गाइस, है ना, इनका रोमुला है, इनका मिडिल मार्च है, डेनियल डेरोना है गाइस,
एंड द मिल ऑन द फ्लॉस है, तो काफी अच्छे नॉवल लिखे हैं जॉर्ज एलियट ने भी इसी टाइम पीरियड में। तो क्या दोस्तों मैं टॉमस हार्डी को छोड़ दूंगा? नहीं भाई, टॉमस हार्डी ने भी गाइस बड़े जबरदस्त जबरदस्त वर्क लिखे हैं टॉमस हार्डी ने। तो टॉमस हार्डी ने कौन कौन से वर्क लिखे गाइस, आ जाइए एक बार छोटे में जान लेते हैं गाइस, ज्यादा बड़े में नहीं, छोटे में ही जानने की कोशिश कर लेते हैं गाइस, है ना। सो टॉमस हार्डी गाइस एक बहुत ही बेहतर नॉवलिस्ट थे, और सबसे ज्यादा गाइस मैं आपको बता दूं कि पैसिमिज्म पर फोकस था आपके टॉमस हार्डी का, है ना, पैसिमिज्म पर। टॉमस हार्डी के नॉवल गाइस जैसे अंडर द ग्रीन वुड ट्री है ना गाइस, अंडर द ग्रीन वुड ट्री की बात कर लीजिए, टॉमस हार्डी के गाइस टेस्ट की बात कर लीजिए, है ना, टेस्ट, टेस्ट को गाइस टेस्ट ऑफ डर्बोविल के नाम से जाना जाता है, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड की बात कर लीजिए, है ना गाइज, यस फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, मैं यहां पर एड नहीं किया मैंने, मैं एड कर लूंगा, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है गाइज, है ना, CROWD क्राउड। इसी तरह गाइज ज्यूड दी ऑब्सक्योर, और भैया यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया था, ज्यूड दी ऑब्सक्योर गाइज, है ना, और ये समझ लीजिए कि टॉमस हार्डी ने इतने खतरनाक खतरनाक गाइज वर्क लिखे हैं। या मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज भी है, यस मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज CB, है ना। सो गाइस टॉमस हार्डी ने इतने खतरनाक नॉवल लिखे, लोगों ने पढ़ने के बाद सुसाइड कर लिया डायरेक्टली। ज्यूड द ऑब्सक्योर गाइस ये बैन हो गया था क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लोग सुसाइड कर रहे थे, है ना गाइस, यस। और यहां पर एक कैरेक्टर है लिटिल फादर टाइम गाइस, ज्यूड द ऑब्सक्योर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है LITTLEFATHER, लिटिल फादर टाइम, और गाइस इसने सुसाइड किया गाइज, है ना, और इसके भाई बहन भी थे छोटे वाले, उनको भी गाइज लटका दिया। एंड व्हाट हैपेंड गाइज, ही रोट वी डिड बिकॉज वी आर टू मेनी, बिकॉज आर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फीड अस, हमें खाना भी नहीं मिला पेट भर, दैट्स व्हाई वी डिड गाइज, है ना, यस डन नाउ बिकॉज वी वर टू मेनी, यस आस्था वशिष्ठ, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल गाइज, यस बिल्कुल बिल्कुल गाइज, या दिस इज वॉट गाइड जो आपको इसमें देखने को मिलता है। ऑस्कर वाइल्ड का भी नाम गाइज आपने सुना होगा, और विक्टोरियन पीरियड के गाइज एंड तक एक और भी बहुत बड़ा मूवमेंट था गाइज, जिसे डेकेडेंस मूवमेंट, या फिर गाइज हम, मैं आपको अगर बताऊं तो गाइज हम उसे क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया गाइज मूवमेंट जिसे बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक गाइज, है ना, एस्थेटिक मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म भी गाइज विक्टोरियन एरा में आपको देखने को मिलता है। वाल्टर पेटर है गाइज, ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड ने गाइज जैसे काफी अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं गाइज, है ना, यस पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइज, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है, यस PICTURE गाइज, है ना, पिक्चर ऑफ डोरियन, है ना गाइज, एंड ग्रे, सो पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये काफी अच्छा इनका वर्क है गाइज, याद रखिए। इसके बाद गाइज अगर देखें इस टाइम पीरियड में क्या अदर भी नॉवलिस्ट एंड ऑल थे, तो RL Stevenson का नाम आप ले लीजिएगा, ट्रीजर आयरलैंड, जॉर्ज मेरेडिथ का नाम ले लीजिएगा, द इगोइस्ट, एडवर्ड लिटन का नाम ले लीजिएगा गाइज, द लास्ट डेज ऑफ पॉम्पी, चार्ल्स रीड का नाम ले लीजिए, एंटनी ट्रॉलॉप का नाम ले लीजिए गाइज, जोसेफ कॉनराड ने लॉर्ड जिम नाम का गाइज एक वर्क लिखा था, हैथोर ने अमेरिका में स्कारलेट लेटर लिखा था जिसमें ए लेटर बहुत बड़ा सिंबलाइज करता है गाइज, है ना, यस। तो ये सारी चीजें थी विक्टोरियन टाइम पीरियड। अच्छा, विक्टोरियन टाइम पीरियड में गाइज ड्रामा की क्या कंडीशन थी, तो एक मिनट में गाइज ड्रामा भी मैं आपको बता दूं। देखिए इस टाइम पीरियड में गाइज जो ड्रामा था, सो गाइज सोशल इविल्स पर था, यस सोशल इविल्स पर गाइज, या फिर आप कह दीजिए कि सोसाइटी की जो जो चीजें थी गाइज उन पर था ये, है ना। अब कैसे, इस चीज को देख लीजिए, जैसे गाइज प्रॉब्लम प्लेज इस टाइम पीरियड में आए, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम प्लेज, और प्रॉब्लम प्लेज में GB शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और हेनरिक इब्सन गाइज, हेनरिक इब्सन ने तो इसे स्टार्ट ही किया था, हेनरिक इब्सन और GB शॉ का नाम आता है गाइज, यस ड्रामाज में। वैसे गाइज ऑस्कर वाइल्ड का भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन मेजर जो प्ले राइट थे इस पीरियड के, तो GB शॉ और हेनरिक इब्सन थे गाइज। GB शॉ को तो आप जानते गए, बहुत सारे प्ले इन्होंने लिखा, आर्म्स एंड द मैन,
एंड सेंट जॉन। एंड गाइज आपका एक और वर्क है, क्या नाम है उसका, गाइड सेंट जॉन हो गया, आमसन द मैन हो गया, और मैन एंड सुपरमैन भी है, और गाइज कैंडिडा भी है, बहुत सारे वर्क है गाइज। प्रॉब्लम प्लेज इन्होंने लिखा। तो ये सारी चीजें थी गाइज जो आपके विक्टोरियन टाइम पीरियड से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड है गाइज, है ना। यस, अब बाकी का गाइज जो मैं आपको विक्टोरियन एरा करवा रहा था वो तो गाइज हुआ खत्म। अब आप एक काम कर सकते हैं, जितनी भी गाइज आपकी क्वेरीज हो, जितनी भी गाइज क्वेरीज हो, वो फटाफट अब आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब है गाइज लास्ट टाइम पीरियड जब मैं क्लास बंद करूंगा आपकी गाइज, है ना। यस, तो चलिए अब जल्दी से आ जाइए भाइयों और बहनों, और पूछ लीजिए गाइज मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों साथियों गाइज। यस, और पूछ लीजिए थोड़ा थोड़ा अपनी क्वेरीज को, ताकि मैं आपको गाइज आंसर कर सकूं। जितने भी क्वेश्चन हो गाइज, और टीजीडी पीजीडी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मत पढ़ना, लेकिन मेरी बात अगर मानो तो गाइज ये वाला जो वीडियो है ये 14वां वीडियो है गाइज। 14 वीडियोस मैंने बनाए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, और ये है गाइज 14वां वीडियो। आप पूरे वीडियोस गाइज अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इवन मेरे नंबर पर, है ना, डायरेक्टली गाइज 9125090515। पेड कोर्स चाहिए हो गाइज तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट वाले कोर्सेज, है ना। और बाकी रही बात गाइज ना, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, रेटोरिक एंड प्रोसोडी, मीटर, राइम, रिदम, डिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये सारा कुछ टीजीटी पीजीटी में पढ़ना होता है ना। यस, कोई बात नहीं गाइज, कोई लाइक ना करने दीजिए, जिसका मन होगा वो लाइक करेगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं लाइक करेगा, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता किसी से, है ना। बिल्कुल गाइज, जे सर, जी सर, मेरी ये पहली क्लास थी और बहुत अच्छे से समझ में आया। अरे भैया सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी आप देखिए मेरी क्लास को। यस गाइज, ठीक है, तो अब कोई कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ लीजिए, बिल्कुल मैं आप सबके गाइज बिल्कुल, या गुड नाइट गाइज, जिन लोगों को गुड नाइट बोलना हो तो बोल लीजिए, है ना। यस, अच्छा, अपेक्षा जोशी ने पूछा आर्ट फॉर आर्ट से। देखिए जीबी शॉ ने कहा है कि आर्ट फॉर आर्ट से जो टर्म है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं गाइज, है ना। ही सेड आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब गाइज रुकिए एक मिनट के लिए, मेरा वो नहीं काम कर रहा है। यस, आर्ट फॉर आर्ट से क्यों लिख को ले करके जीबी शॉ ने कहा है, फॉर आर्ट से आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ टॉयल टू राइट ए सिंगल वर्ड, मतलब आर्ट फॉर आर्ट से के लिए मैं एक वर्ड नहीं लिखूंगा, है ना गाइज। आर्ट फॉर लाइफ से, आर्ट किसके लिए होना चाहिए गाइज, सो उन्होंने कहा आर्ट फॉर लाइफ सेक। अब गाइज आर्ट फॉर आर्ट सेक का क्या मतलब है, आर्ट फॉर आर्ट सेक का देखिए मतलब है ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक का गाइज मतलब है, समझ लीजिए कैसे, कि मतलब जैसे लिटरेचर एक आर्ट है, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, ये गाइज आर्ट है एक टाइप की, है ना। राइटिंग एक आर्ट है, तो मतलब राइटिंग को गाइज आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब कला को कला के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, या कला को कला की दृष्टि से लिखना चाहिए या बनाना चाहिए। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि कला को कला की दृष्टि से नहीं, कला को ह्यूमन बीइंग की लाइफ से, क्योंकि लिटरेचर इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए आर्ट फॉर आर्ट से नहीं, आर्ट फॉर लाइफ से ज्यादा बेटर। और बहुत सारे लोग थे गाइज जो आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट करते थे गाइज, ठीक है। रंजना गुप्ता, नोट्स लेने के लिए 9125090515 पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स नहीं मैं प्रोवाइड करता, क्लास भी लीजिए नोट्स भी मिलेगा, है ना। क्योंकि गाइज देखिए क्लास और नोट्स अगर जब दोनों पढ़ते हैं तब आपको बेनिफिट जबरदस्त होता है, और जब आप सिर्फ और सिर्फ किसी के नोट्स लेकर के पढ़ते रहते हैं गाइस, तो मेरी बात मानिए, भरोसा कीजिए मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा गाइस, आपको बहुत लिमिटेड बेनिफिट होता है। जो गाइस लेक्चर होता है ना, लेक्चर जान होता है, क्योंकि दो जो स्लाइड में नहीं लिखा होता वो भी लेक्चर में आपको बताया जाता है गाइस, ठीक है। यस,
नहीं, इंग्लिश ऑनर्स का नहीं क्लास होता, यू आर बेस्ट लिटरेचर टीचर इन द वर्ल्ड। श्वेता शुक्ला रे, इतना मत तारीफ कीजिए, बट थैंक यू श्वेता, श्वेता थैंक यू, श्वेता थैंक यू। नॉट टू लुक फॉर मोरल वैल्यूज इन वर्क, यस श्योर दिव्या, बिल्कुल चौधरी, यू आर राइट। ओके गाइज, यू आर द बेस्ट सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम गाइज। प्लीज सर, टीजीट इंग्लिश के लिए एमसीक्यूज गेस करके दे दीजिए। श्योर पूनम दुबे, कभी कभी मेरे भी बेनिफिट की बात किया करें आप लोग, है ना। चलिए गाइज, सर क्लास ले रहे हैं, नोट सेंड करो, हमने आपको मैसेज किया है, क्लास ले रहे हैं। ओके गाइज, तो ठीक है, अगर आपने क्लास ले लिया है, पेमेंट कर दिया होगा, तो 100% आपको नोट्स आ जाएंगे गाइज, है ना। चलिए, और देखिए, एक महीने में गाइज आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि क्या आप कर सकते हैं एक महीने में टीजीटी की प्रिपरेशन, तो आप कर सकते हैं गाइज। पीजीटी की प्रिपरेशन 1.5 महीने है आपके पास, अरे जान लगा दो यार, लास्ट टाइम है, फर्स्ट एंड लास्ट गाइज। आई वॉज एवर अ फाइटर, यस आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट गाइज। बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी मत बनिएगा यार, वरना निराश होकर के कहीं पर बैठे मिलोगे आप लोग, है ना गाइज। यस या गाइज, सो बिल्कुल अब आप समझ लीजिएगा प्लीज। सर माई क्वेश्चन इज, वेयर फ्रॉम द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कम्स। नेक्सस व्यू में एक बात बताऊं, नेक्सस व्यू आपको भी ये पता है कि कहां से फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड आता है ना। ये थॉमस ग्रे की एक एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से आता है। लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन पता होता है, तभी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बाय द वे, है ना। तो ये जो टाइटल है, ये आया है एलिजी से, है ना। ठीक है, ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड बाय गाइज एंड टेक केयर। सर कोर्स में पीडीएफ भी, देखिए पूरे पीडीएफ, एक मिनट गाइज मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं, ये देख लीजिए प्लीज। अरे एक मिनट रुकिए तो गाइज, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊं, मैं अपने पेड वाले, है ना। चलिए गाइज देख लीजिए, पीडीएफ का खजाना मेरे लैपटॉप पे गाइज, कितने पीडीएफ पड़े होते हैं ये देखिए। ये गाइज सब आपको पीडीएफ दिख रहे हैं, अगर ना दिख रहे हो तो थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, है ना गाइज। यस, सो आ जाइए, जूम कर लेते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर पेज को, और जूम करने के लिए मुझे लग रहा है व्यू थोड़ा सा गाइज बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए गाइज, एक्स्ट्रा लार्ज पर किया जाए, या गाइज ये सारे गाइज नोट्स हैं जो पड़े हुए हैं आपके लिए, देखिएगा प्लीज। या गाइज थोड़ा सा एक मिनट के लिए वेट कीजिए प्लीज, ये मेरा फोन रखा हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके गाइज, ये देखिए पूरे ये जो गाइज नोट्स ही पड़े हुए हैं आपके टीजीटी पीजीटी वाले। तो देखिए टीजीटी पीजीटी दोनों का गाइज एक बहुत बड़ा कंप्लीट कलेक्शन है मेरे पास नोट्स वाला, है ना। और ये नोट्स मैं देता हूं गाइज, और इसी तरह देखिए टीजीटी वाला भी होगा, यहां पर मैं आपको दिखा दूं। नोट्स के ऊपर, नोट्स की बात मत कीजिए गाइज, बहुत सारे नोट्स होंगे मेरे पास जो आपको मिलेंगे, इतने सारे नोट्स, और मेरे जैसे नोट्स गाइज कोई जबरदस्त नहीं दे पाएगा, ये बात जान लीजिए प्लीज। जबरदस्त नोट्स गाइज, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, है ना गाइज। देखिए यूजीसी वाले मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए गाइज, यूजीसी वाले भी देख लीजिए प्लीज। ये देखिए गाइज यूजीसी वाले नोट्स भी आप एक मिनट में देख लीजिए प्लीज। यस, ये देखिए गाइज, कोई भी टॉपिक जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो उस कोई भी टॉपिक को कैसे कवर करता हूं, कितना बेहतर तरीके से कवर करता हूं गाइज, ये पूरे देख लीजिए, सारे पीडीएफ ही पड़े हुए हैं। ये गाइज सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, देखिए पूरे पीडीएफ से भरा हुआ मेरा लैपटॉप रहता है गाइज। यस या श्योर विद्या, आप अभी कवर कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम है गाइज, बिल्कुल। आप 1.5 महीने बहुत होता है टीजीटी के लिए, तो मैं कहता हूं 1 महीने भी गाइज बहुत होता है। तो ये सारे नोट्स आप देख पा रहे हैं गाइज, पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलते हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो गाइज। ये देखिए पूरे के पूरे नोट्स आपको पड़े हुए मिलेंगे, और गाइज ये पूरे नोट्स मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करता हूं, जो भी जिन लोगों ने लिया है। यस, क्योंकि अभी गाइज आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है यार, सोचने से ज्यादा करने पर भरोसा कीजिए। आप लोग तो इतना सोचते हैं, है ना गाइज, जो एक्सेसिव थिंकिंग होती है ना, वो आपको कायर बना देती है, कमजोर बना देती है। तो ज्यादा सोचने से बेहतर है काम कीजिए गाइज। यस, थैंक यू सो मच गाइज, बाय एंड टेक केयर। ये पूरा लैपटॉप ही है ना, जो सिस्टम मेरा, ये सारे यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के नोट्स से भरा हुआ है गाइज। यस,
बिल्कुल जबरदस्त मटेरियल गाइस, धांसू मटेरियल। अगर आपने कहीं क्लासेस भी ली है ना, एक बार टेस्ट कीजिएगा गाइस। डिटेल सिलेबस ऑफ टीजीटी, डिटेल सिलेबस ऑफ पीजीटी जो मैंने आपको बताया गाइस, आप पूरे यूट्यूब में घूम करके देख आइए। अगर किसी ने बताया हो गाइस, उस दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा गाइस। जितने बेहतर तरीके से मैंने टीजीटी और पीजीटी को गाइस, यू नो, डिटेल सिलेबस, यूजीसी नेट का डिटेल सिलेबस आपको बताया गाइस, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड गुड नाइट। अगर मन करे तो ये नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं गाइस अब।